मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर छाया संकट अब कुछ दिनों के लिए टलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि विधानसभा सेशन के शुरू होने पर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अब विधानसभा की कार्रवाई को 26 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। इसके बाद बीजेपी ने अपनी कोशिशों को धार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो दाखिल कर ही साथ ही साथ अपने विधायकों की राज्यपाल के सामने परेड भी करा दी। इसके बाद राज्यपाल ने मंगलवार को फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर सीएम कमलनाथ को दोबारा चिट्ठी लिखी है। सोमवार को फ्लोर टेस्ट न होने से नाराज बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। इसके बाद शिवराज सिंह बीजेपी के विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड कराई और 106 विधायकों की लिस्ट सौंपी। बीजेपी विधायकों से बात करते हुए राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि अगर मैंने कोई निर्देश दिया है तो उसका पालन कराना भी आता है। आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। इस दौरान उनसे जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट आयोजित कराने के आदेश देने का अनुरोध किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार ने बहुमत खो दिया है और उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट करवाए, बहुमत होता तो सरकार को दिक्कत क्या थी, लेकिन मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार अब अल्पमत की सरकार है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़दास बन गई। महामारी घोषित किया गया है, खुद प्रधानमंत्री सार्क देशों की बैठक कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और तमाम दूसरी विधानसभाएं चाहे राजस्थान हो, केरल हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम स्थगित की गई है इसके भय को देखते हुए कोरोना के। ऐसे में मध्य प्रदेश में स्थगित होती है तो भारतीय जनता पार्टी शोर मचा रही है, जो कि मैं समझती हूँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सदन को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। इस पर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और कहा कि सरकार फ्लोर टेस्ट से डर रही है। साथ ही कमलनाथ सरकार की ओर से दावा किया गया कि अगर बीजेपी को लगता है कि उनके पास बहुमत है तो बीजेपी ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। इसके जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को रणछोड़दास सरकार बता दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने तो पहले दिन ही कह दिया था, इनने मांग नहीं करी। उसके पहले मुख्यमंत्री जी गवर्नर से जाके मिलके लिखित में देके आए हैं कि फ्लोर टेस्ट जब कराना चाहे वो करा सकते हैं, हमें कहीं भी कोई आंकड़ों की कमी नहीं है। हमारी सरकार बहुमत की है और हमारी सरकार स्थायी सरकार है। कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है। अब इस सरकार को एक क्षण भी सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सदन की जो इफेक्टिव संख्या है, आज जो हाउस में परिदृश्य था उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे, भारतीय जनता पार्टी के 106 यहां सशरीर आए हैं, और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी का है। मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट न होने से नाराज बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने 48 घंटे में मामले की सुनवाई की मांग की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, महामहिम ने भी आश्वस्त किया है कि हमारे संवैधानिक और प्रदेश के भी और जनता के भी, विशेषकर विधायकों से कहा कि आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और हम देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे। आपको बता दें
कि सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट रोकने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वर्तमान परिस्थिति में फ्लोर टेस्ट कराना अलोकतांत्रिक होगा। सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने कांग्रेस के कई विधायकों को कर्नाटक में बंदी बना लिया है। हालांकि इसके बाद सीएम कमलनाथ ने सोमवार को भी राज्यपाल से मुलाकात की। मेरे माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मेरे बहुत पुराने मधुर संबंध हैं, तो केवल सौजन्य भेंट के लिए गया था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर छाए संकट के बादल के बीच विधानसभा के स्थगित होने से बीजेपी ने राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड कराकर ये साबित कर दिया है कि फिलहाल वो तख्ता पलट करने की कोशिश में जरा भी ढीली पड़ने वाली नहीं है। हालांकि बहुमत के दावे दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, ये आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। टीम राजनीति।